वेलकम टू स्काईस्टेक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, क्या आप भी व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कंफ्यूज हैं? क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जब से व्हाट्सएप ने अनाउंस किया है तब से बवाल चल रहा है, तब से लोग इसके बारे में बहुत सारी जानकारी जानना चाहते हैं कि आखिर ये प्राइवेसी पॉलिसी है क्या और इससे हमें क्या नुकसान है और इससे व्हाट्सएप या इसकी जो पेरेंट कंपनी है फेसबुक उसे क्या फ़ायदा होगा, हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप नई प्राइवेसी पॉलिसी लाने वाला है जिसे लेकर विवाद चल रहा है। व्हाट्सएप के नए नियम के कारण बड़ी संख्या में यूजर्स सिग्नल और टेलीग्राम जैसे दूसरे ऐप्स पर अपना अकाउंट बना रहे हैं। इस बीच कंपनी ने अपनी पॉलिसी को लेकर बयान भी जारी किया है। व्हाट्सएप का कहना है कि यूजर्स के प्राइवेट मैसेज और कॉल्स पूरी तरह से सेफ रहेंगे, साथ ही एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन भी जारी रहेगा। एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन के बारे में आप समझते हैं कि अगर कोई भी कंपनी एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन दे रही है, इसका मतलब ये होता है कि आपके द्वारा भेजे गए मैसेज, कॉल्स, फोटोज आपके और जो जिसको आपने भेजा सिर्फ उस तक ही सीमित है, यानी कंपनी भी उस चीज़ को नहीं चाहकर भी नहीं देख सकती। कंपनी ने ट्वीट करके 7 पॉइंट्स में बातें अपनी रखी हैं। व्हाट्सएप ने ट्वीट के कैप्शन में लिखा है, हम ये 100% साफ कर दें कि एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन के जरिए आपके प्राइवेट मैसेजेस आगे भी सेफ रहेंगे। बता दें कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी 8 फरवरी से लागू होगी, जिसे आप अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपका व्हाट्सएप यूज करना बंद हो जाएगा, यानी कि आप व्हाट्सएप नहीं यूज कर सकते आप उनके अगर प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आइए जानते हैं व्हाट्सएप ने अपने बयान में क्या क्या कहा। पॉइंट्स नंबर 1, नहीं देखेंगे मैसेज या कॉल्स। कंपनी ने साफ कर दिया है कि व्हाट्सएप या फेसबुक अपने प्राइवेट मैसेजेस नहीं देख सकता है और ना ही आपकी कॉल्स सुन सकता है। व्हाट्सएप में एंड टू एंड इंक्रिप्शन का फीचर दिया गया है जो ये सुनिश्चित करता है कि यूजर के मैसेज सिर्फ सेंडर या रिसीवर ही पढ़ सके, यानी कि अगर आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो सिर्फ वो या आप ही उस मैसेज को देख पा रहे हैं, यहाँ तक कि व्हाट्सएप कंपनी भी नहीं देख सकती कि आपने क्या किसी को भेजा या आपने क्या कॉल पे किसी से बात की। पॉइंट नंबर 2, मैसेज या कॉल्स का कोई रिकॉर्ड नहीं है। व्हाट्सएप ने इस बात को क्लियर किया है कि व्हाट्सएप कोई रिकॉर्ड नहीं रखता कि कौन यूजर किसे कॉल या मैसेज कर रहा है। कंपनी ने कहा, जहां आमतौर पर मोबाइल ऑपरेटर इस प्रकार की जानकारी रखते हैं, हमारा मानना है कि 2 अरब यूजर्स का ये रिकॉर्ड रखना प्राइवेसी और सिक्योरिटी दोनों के लिए खतरा है, इसलिए हम ऐसा नहीं करते। पॉइंट नंबर 3, नहीं देख सकते लोकेशन। कंपनी ने कहा है, व्हाट्सएप या फेसबुक आपके द्वारा शेयर की गई लोकेशन को नहीं देख सकता है। हालांकि अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी में ये साफ किया गया है, हम आपके फ़ोन नंबर और आईपी एड्रेस जैसी जानकारी के जरिए यूजर के जनरल लोकेशन का पता रखते हैं। पॉइंट नंबर 4, कॉन्टैक्ट्स को नहीं करते शेयर। व्हाट्सएप ने इस बात को भी कहा है कि व्हाट्सएप अपने कॉन्टैक्ट्स को फेसबुक के साथ शेयर नहीं करता। कंपनी ने कहा, जब आप हमें परमिशन देते हैं तब हम आपकी लिस्ट से फ़ोन नंबर को एक्सेस करते हैं ताकि मैसेजिंग फास्ट हो सके, इन्हें किसी दूसरे ऐप्स के साथ शेयर नहीं किया जाता। पॉइंट नंबर 5, व्हाट्सएप ग्रुप प्राइवेट बने रहेंगे। इसी प्रकार व्हाट्सएप ने बताया कि ग्रुप चैट्स प्राइवेट और इनक्रिप्टेड बनी रहेंगे। कंपनी के मुताबिक हम ग्रुप मेंबरशिप का इस्तेमाल मैसेज डिलीवरी करने और अपने सर्विस के स्पैम से बचाने के लिए करते हैं। हम इस डेटा को फेसबुक के साथ विज्ञापन यानी कि किसी भी एडवर्टीजमेंट के लिए शेयर नहीं करते। नंबर 6, कंपनी ने कहा है कि गायब करें अपने मैसेज। जी हाँ, आपने देखा होगा कि ये फीचर जब से आया कि आप किसी को अगर व्हाट्सएप पे कुछ भेजते हैं और चाहें तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ने हाल ही में आए अपने डिसअपेयरिंग मैसेज फीचर के जिक्र किया। कंपनी ने कहा कि यूजर ये सेट कर सकता है कि उनके मैसेजेस गायब हो जाएंगे। दरअसल इसी फीचर को इनेबल करने पर आपके मैसेज 7 दिन बाद खुद या ही चैट से गायब हो जाते हैं। ये फीचर भी व्हाट्सएप में दिया जाने लगा है जिसमें आप सेटिंग कर सकते हैं जिसके थ्रू आप चाहें तो एक लिमिटेड टाइम में किसी से चैट करते हो ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगे मैसेज। पॉइंट नंबर 7, डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। कंपनी ने कहा है कि यूजर्स चाहे तो अपने डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सुविधा यूजर्स को ऐप में ही दी गई है। इसके लिए यूजर सेटिंग में जाए, फिर अकाउंट और फिर रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो में जाएं। यहाँ आपको रिक्वेस्ट रिपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर टाइप करें और 3 दिन के भीतर आपको रिपोर्ट आ जाएगी। तो व्हाट्सएप ने अपने बचाव में इन बातों को कहा है। बता दें कि व्हाट्सएप ने हाल ही में अपने यूजर्स की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में अपडेट देना शुरू किया था। इसमें बताया गया था कि व्हाट्सएप कैसे यूजर्स के डेटा की प्रोसेसिंग करता है और उन्हें फेसबुक के साथ किस तरह से शेयर करता है। अपडेट में यह भी कहा गया कि व्हाट्सएप का उपयोग जारी रखने के लिए यूजर्स को 8 फरवरी
2021 यानी 8 फरवरी 2021 तक नियम या पॉलिसी से सहमत होना होगा। यानी आप उस प्राइवेसी पॉलिसी को जो अपडेट फ्लैश कर रहा है व्हाट्सएप पर, उसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। इसके बाद से ही दुनिया भर में व्हाट्सएप के फेसबुक के साथ यूजर डेटा शेयर करने को लेकर बहस शुरू हो गई है। अब आते हैं बात की बात पर कि आखिर अगर डेटा शेयर हुआ तो क्या हो सकता है। देखिए, जैसे हम बात करते हैं आपस में अपने किसी फ्रेंड से और हम उसमें किसी पार्टिकुलर थिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं, जैसे कि हमें कोई मोबाइल चाहिए, हमें किसी प्रकार की चीज़ चाहिए, तो अगर वो फेसबुक के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता है तो फेसबुक आपके बारे में जान सकता है कि आपको क्या चाहिए और उससे रिलेटेड ऐड वो आपके सामने दिखाने लगेगा। इस तरह से लोगों में बहुत सारी कन्फ्यूजन है व्हाट्सएप को लेकर। तो ये थी उनकी बातें, क्या है आने वाले अपडेट्स वो हम आपको बताते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको ऐसे ही नए नए अपडेट्स की जानकारी देते रहें।